नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर बी के चौधरी मौजूद है। डॉक्टर साहिब पटना पीएमसीएच में एसोसिएट प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, साथ ही कंसल्टेंट फिजिशियन भी है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में डेंगू के बारे में बात किया था, लेकिन आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि जो डेंगू के जो मरीज हैं उन्हें बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हैं, अंधविश्वास है। बहुत सारे लोग अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अपना रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि इस बारे में आप हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ साझा करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि डेंगू के पेशेंट के अटेंडेंट इतने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, कि बहुत बड़ी समस्या बढ़ाते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में आज के डेट में बेड नहीं मिल रहा है, तो कर क्या रहे हैं वो लोग? कहीं से पढ़ लिया या कोई जान गया कि पपीता का पत्ता का जूस पिलाओ और बकरी का दूध पिलाओ तो जल्दी ठीक हो जाता है, प्लेटलेट बढ़ जाता है। तो मैं लोगों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि कोई भी साइंस में, हम अंग्रेजी साइंस में, कोई दवा मार्केट में आती है, उस पर रिसर्च होता है, बहुत बिलियन डॉलर खर्चा होता है, करोड़ रुपए खर्चे होते हैं तो मार्केट में आता है। अब पपीता का पत्ता के बारे आपने जान लिया कि ठीक है, कुछ रिसर्च है, हम लोग के साइंस, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स ने भी वर्क किया है इस पर, अंग्रेजी कंपनियाँ बना रही हैं, परंतु कितने मात्रा में पत्ता देना है, क्या जूस देना है, क्योंकि वो पत्ता, मैं इसी पर आपको एक इम्पॉर्टेंट कहानी छोटा सा बता रहा हूँ कि जब कोविड आया था तो एक मैसेज, अब सरकारी था या गैर सरकारी हम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लोगों को आया कि नहीं, आप सुबह सुबह उठिए और रोज़ एक बार या दो बार आप काढ़ा पीजिए। तो लोगों ने गलत उसको एक्सेप्ट कर लिया, दिन भर में चार बार, पांच बार, छह बार पीने लगे। आज ये हालत है कि दिल्ली में एक हॉस्पिटल है ILBS, जिसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर सरीन, बिहार जो दिल्ली सरकार की तरफ से हॉस्पिटल को बनाया गया लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। आज के डेट में लीवर ट्रांसप्लांट में नंबर साल, दो साल, तीन साल के बाद आ रहा है। इतने लोग इतना ज़्यादा ज़्यादा काढ़ा पी लिए कि उनकी, यही मेरा मैसेज है कि डेंगू में अगर पपीता का पत्ता इतना ज़्यादा पीते रहेंगे तो अभी क्या परेशानी हो रही है, कई बार पेट फुला हुआ आ रहा है, तो हम बहुत डांट लगा रहे हैं, बहुत बिगड़ रहे हैं, बकरी का दूध पिला दिए हैं डॉक्टर साहब, तीन बार चार बार एकदम ठीक हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जूस बहुत ज़्यादा पिलाने से आपका बॉडी तो एक्सटम तो है नहीं, कोई बकरी अब थोड़ी है, क्यारा पत्ता खाना है, घास खाना है, घास खाता था जब हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फेमीन आया था, बहुत बड़ा काल आया था, अभी तो आपको घास खा नहीं, पचा नहीं सकते, पत्ता पचा नहीं सकते, तो पत्ता मत खाइए, मेरा पहला मैसेज है। ऐसी गलती ना करें, उसका बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, पेट फूल जा रहा है, कई बार सर्जरी करनी पड़ रही है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है। दूसरा है कि दूध, ठीक है बकरी का दूध आप दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको कम से कम खौलाओ, पैस्चराइज करो, दूध को कई घंटे तक, 40 मिनट्स को 100 डिग्री सेल्सियस उसको 40 डिग्री सेल्सियस पे एक घंटे तक उसको चलाना पड़ता है, उसको तभी जाके सारे कीड़ा मरते हैं। अभी आप उसको स्टराइल एकदम बिल्कुल, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं तुम इसको कच्चा दूध को ही पिलाओ तो फ़ायदा करेगा, इज ऑल नॉनसेंस, ऑल रिडिक्यूलस, ये बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है, ये दूध पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पानी पिलाएं, नारियल पानी पिलाएं, आप दूध कोई भी गाय का भी दूध पिला सकते हैं, कॉफ़ी पिलाएं, चाय पिलाएं, दाल का पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, इलेक्ट्रोल पाउडर पिलाएं, भात दाल रोटी नॉर्मल जो डाइट है बिहार का वो खिलाएं, लेकिन आपको अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट इम्प्रूव करेगा ही, 99% पेशेंट्स इम्प्रूव कर जाते हैं, 1% में दिक्कत होती है तो उसको फिर हॉस्पिटलाइज करके उसको ठीक किया जाता है। तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बुखार डाउन रखिए, प्लेटलेट पर नज़र रखिए, अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, अपनी क्वैकरी मत कीजिए। तो आप डॉक्टर बीके चौधरी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने एक कंफ्यूजन क्लियर कर दिया कि अगर आप डेंगू की चपेट में, अगर आपको डेंगू हुआ है तो आप कभी अंधविश्वास की पर भरोसा ना करें और डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, और अजीबोगरीब सलाह को जो आप इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं वैसा कुछ ना करें और अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।